को, तो जो लिफ्ट केक है वो हमारा पशुओं का एक ऐसा पिंजरा बना होता है जिसके अंदर हमारे तमाम सॉफ्ट ऑर्गन जो है वो स्टोर है, ताकि अगर कोई हमें कोई मुक्का मारे, कोई जो है वो कुछ करे, तो हमारे अंदर सॉफ्ट ऑर्गन है जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग है, तमाम कहाँ पर कवर्ड है, लिफ्ट केक के अंदर कवर्ड है, तो ये डैमेज नहीं होंगे। अब ये होता कैसे, ये ना स्पंजी एंड इलास्टिक। स्पंज यानी आप देखो स्पंज कैसे होते हैं, नेट टाइप स्पंज जो है वो नेट टाइप जिसको कहते हैं, स्पंज की तरह नजर आता है, और इलास्टिक यानी खींचने वाला। जब हम सांस लेते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सुखड़ जाता है, तो ये इलास्टिक होता है यानी आराम से खींचता है और वापस अपनी जगह पर चला जाता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर की तरह से नजर आता है जहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लंग का स्ट्रक्चर। लंग स्टार्ट होता है बेटा हमारा नोज एंड माउथ। नोज एंड माउथ जो है ये क्या कहलाता है, हमारा एयर पैसेज कहलाता है। नोज एंड यहाँ पे ट्रेचिया लिखा हुआ है, ट्रेचिया ट्यूब को कहते हैं जो आप यहाँ पर नजर आ रही है, जो नोज और माउथ से सांस को अंदर लेके जाती है हमारे कहाँ तक, लंग्स तक। अब इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सीलिया और एक होता है म्यूकस। अब ये सीलिया और म्यूकस क्या होता है, सीलिया हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स मौजूद होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ये लाइफ का ब्रूम वर्क करता है। ब्रूम किसे कहते हैं, हम ब्रूम कहते हैं झाड़ू को। तो यानी हमारे नाक में जो डस्ट चली जाती है तो ये सीलिया जो है उसको जो है वो रोकने का काम करता है, क्योंकि हर जगह प्योर एयर तो हमें नहीं मिलती ना, हर जगह प्योर एटमोसफियर तो नहीं होता, कहीं पर डस्ट भी होता है, हम रोड पर जाते हैं ट्रैफिक का धुआं भी होता है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कौन हो गए थे, ये सीलिया और म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, स्टिकी लिक्विड होता है जो हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ये दोनों मिलकर सीलिया और म्यूकस उस डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं ताकि कोई भी इम्प्योरिटी हमारे लंग्स तक ना जाए। नेक्स्ट है हमारे पास डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम बेटा ये शीट होती है जो हमारे लंग्स को बाकी ऑर्गन्स हमारे बाकी स्टमक है और बाकी जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनसे टकराने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कैसे होता है, स्पंज की तरह होता है, नेट की तरह होते हैं, क्योंकि ये किसी से टकराएंगे तो डैमेज होने का खतरा है। इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारे जो है लंग्स को एक डायाफ्राम शीट से जो है कवर कर हुआ है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स थोड़े बड़े होते हैं साइज में, तो ये डायाफ्राम थोड़ा इस तरह से नीचे की साइड पर आ जाते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये डायाफ्राम वापस ऊपर की साइड पर चला जाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी एक्सपेंड मीन्स फैल जाना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सुखड़ जाना, वापस अपनी जगह पर आ जाना। तो डायाफ्राम क्या होता है, ये शीट ऑफ मसल्स होते हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है। देन हमारे पास लंग्स। लंग्स के रंग में जाए किसे कहते हैं, हम फेफड़ों को कहते हैं। ये जो यहाँ से एयर इंटर हुई डायाफ्राम ने इसको जो है प्रोटेक्ट करा, लेकिन असल काम जो है रेस्पिरेशन को कहाँ पर हो रहा होता है, हमारे लंग्स के अंदर हो रहा होता है। लंग्स में आप देखें यहाँ की ब्रांची ब्रांची
यानी बाहर निकालते हैं हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथ इन यानी सांस का अंदर लेना, ब्रीथ आउट यानी सांस का